देश के परिणाम को निकाला जा रहा है। पहला किक पानी रस्सी की ओर से प्रकाश, और सही दिशा में गेंद को रिलीज किए, गोलकीपर को भेजा दाएं और गेंद को भेजा बाएं, बिल्कुल सटीक की अल्टरनेट है वन बाय वन, तीन तीन चांसेस, जिसमें अगर निर्णय ठोस रूप से निकल कर आती है तो फिर निर्णय उसी में ली जाएगी, अन्यथा अगर तीन तीन की ड्रोन या इक्वल या बराबरी पर टीम पहुंचती है तो अतिरिक्त पेनल्टी का सहारा जो है यकीन ली जाएगी। पहला किक रिकॉर्ड एफसी की ओर से, और गेंद क्रॉसबार से टकराई थी लेकिन इनसाइड द विकेट ड्रॉप हुई और इस वजह से इस गेंद को गोल करार देता हुआ रेफरी स्वयं गुरु महाराज। तो लेकिन बिल्कुल सटीक क्रॉसबार के अंदरूनी भाग से गेंद टकराई ठीक इनसाइड ऑफ द नेट, क्षमा करेंगे एक चौकी कॉर्नर के ठीक बगल से गेंद ड्रॉप हुई इन साइड। सेकंड किक आपके वो हीरो है जो डूबती हुई नैया को दरिया के किनारे में पहुंचाने में इनकी अहम किरदार ये नायक का रोल निभाए, फिलहाल पेनल्टी किक भी इनके कंधों पर भरोसा जताया है टीम के बतौर स्कीपर। और ये सिर्फ लेकिन ये किक अड़ी के सीध है गोलकीपर के दस्ताने पर दे रहा था, बेहद ही निराश करने वाली किक राकेश गोप की। खेल के मैदान में इन्होंने अपनी प्रतिभा की जलवा को प्रमाणित करी थी लेकिन पेनल्टी शूटआउट में सीधे गोलकीपर के हाथों में दे बैठा, चिंता की लकीर साफ झलकती हुई उनके चेहरे की एक्सप्रेशन को देख सकते हो, दोनों हाथे जो है माथों के पीछे, अरे भैया करे तो क्या करे। सेकंड किक ब्रेकअप एंड सिक्योर, और सीधे गोल जाल में, कृष्णा कुछ नहीं कर सकते इस गेंद को, और विपुल चकमा खा गए एक बेकार गोलकीपर। और थर्ड किक इसी गोल में परिवर्तित करना अति अनिवार्य, स्वयं एक युवा होनहार दिगंबर साथी इनके कंधों में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेनल्टी किक करने की अवसर इनके कंधों पर सौंपा गया है कप्तान के द्वारा, क्या भरोसे जिस भरोसे से सप्पा है भरोसे मत खाने बनेंगे तैयार। आयु पावर और गेंद सीधे गोल जाल में,
अब ये निर्णायक किक प्रीतम एफसी अगर गेंद गोल में कन्वर्ट हो जाती है तो आर्मी एफसी को जाना पड़ेगा बाहर और फाइनलिस्ट बन जाएगी ये ब्रेकअप एफसी। एक निर्णायक किक जीत की तहलील पर मेथी सुरंग भी शायद आने लगी है। एक कदम की दूरी, एक फासले की दूरी और एक किक की दूरी पर जीत जो है दस्तक दे रही है। धड़कने तेज हो चुकी है, धैर्य रखिए, रुको जरा, सबर करो। आज गेंद गोल जाल में और इस तरह ब्रेकअप एफसी